नमस्कार मित्रों, कॉमटेरिया एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं कॉमटेरिया एजुकेशन चैनल विगत कई दिनों से निरंतर 67वीं बीपीएससी बीटी 67वीं बिहार लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा के महत्वपूर्ण बिंदु निरंतर चर्चा करता चला रहा है। आज इन्हीं चर्चाओं के बीपीएससी बीटी के लिए महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हल्का सा स्पर्श करेंगे। देखते हैं किस प्रकार का माहौल होता है 67वीं बीपीएससी बीटी में। करेंट अफेयर्स की सीरीज जो कि बड़ी आगाध सीरीज है, जिसमें कि अनुमान लगा पाना बड़ा ही कठिन है, लेकिन कुछ स्पेशल प्रश्नों की श्रृंखला लेकर कॉमटेरिया आपके समक्ष आया है। अगर आपने अभी तक कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल के वीडियोज़ को शेयर नहीं किया तो कृपया शेयर कर दें अपने दोस्तों तक, मित्रों तक, जानकारों तक। जो भी महत्वपूर्ण 67वीं बीपीएससी पीटी और अन्य एक दिवसीय एवं राज्य लोक सेवा आयोग के करेंट अफेयर्स परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन तक हमारे वीडियोज़ को शेयर करें। कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आइए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं 67वीं बीपीएससी पीटी के वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनरीज वॉल्यूम 7 जो कि बेस्ड है करेंट अफेयर्स। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर होगा चेक रिपब्लिक। यह महत्वपूर्ण श्रृंखला करेंट अफेयर्स के लिए चल रही है, इसे ध्यान रखिए, बड़े ही कंसंट्रेट होकर इस क्वेश्चन को सुनिए। 8 मार्च 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या रखा गया है? जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। यह आयुष मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? यह गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर हैदराबाद में स्थापित किया जा रहा है। कॉमटेरिया एजुकेशन चैनल जितने भी प्रश्न आपको इस नियरली टाइम जो कि एग्जामिनेशंस के एडमिट कार्ड कल 25 अप्रैल से ही दिन में 12 बजे के बाद कभी भी लाइव हो सकते हैं, आप अपने सेंटर्स देख सकते हैं। तो यह महत्वपूर्ण चैप्टर, यह महत्वपूर्ण वीडियो, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चनरीज वॉल्यूम 7 जो कि एक बड़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगी एग्जामिनेशंस में। कई क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको 67वीं बीपीएससी पीटी में मेरे लेक्चर से देखने को मिल जाएंगे। एग्जामिनेशन होने के बाद आप मिला लीजिएगा, कई प्रश्न 67वीं बीपीएससी पीटी में हमारे लेक्चर से कॉमटेरिया के आपको प्राप्त होंगे। इसलिए खाली समय में रिवीजन क्वेश्चनरी के रूप में आप इस लेक्चर्स का श्रवण जरूर करें। कल 12 बजे के बाद आप किसी भी वक्त बीपीएससी की ऑफिशियल साइट से अपने 67वीं बीपीएससी पीटी के प्रवेश पत्र को प्राप्त कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है? तो ये उत्तर होगा इसका सबसे बड़ा डेटा सेंटर हैदराबाद शहर में निर्माण। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला गया है? तो यह मुंबई में खोला गया है सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा मुंबई में खोला गया है। अभी हाल में ही मंत्रालय ने डोनेट अ पेंशन पहल शुरू की है। किस मंत्रालय ने शुरू की है? भारत सरकार की। तो इसका सही जवाब होगा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने डोनेट अ पेंशन पहल शुरू की है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। FATF के अध्यक्ष कौन है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अध्यक्षों की बात आती है, बड़ा ही कंफ्यूजिंग हो जाता है। ये मिलान प्रश्न में भी आते हैं, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। FATF के अध्यक्ष हैं टी राजा कुमार। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन है? तो दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति हैं यून सुक योल। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति हैं
कैटलिन नोवाक। अगला प्रश्न लेते हैं, किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? तो पूर्वी रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ का शुभारंभ मार्च 2022 में किया गया है? तो यह सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा किया गया है समर्थ का शुभारंभ। हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक सम्मेलन शिखर सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। भारत में प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए किस मंत्रालय द्वारा संभव और स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई है? यह मंत्रालय है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। बड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएं जो चल रही हैं, इन श्रृंखलाओं में आप ट्यून कर सकते हैं हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल कॉम्पटीरिया को। कॉम्पटीरिया यूट्यूब चैनल संकल्पबद्ध है सारे विश्व के स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। कॉम्पटीरिया पूर्णतः निःशुल्क है, कॉम्पटीरिया में किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। कॉम्पटीरिया का आदर्श वाक्य है सभी पढ़ें सभी बढ़ें। और अभी रिसेंटली हमने एक आदर्श वाक्य और जोड़ा है, स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस। इन सभी उद्बोधनों के साथ कॉम्पटीरिया निस्वार्थ सेवा कर रहा है और भारत में शिक्षा का प्रचार और प्रसार कर रहा है। हालांकि बहुत से क्रिएटर्स हैं वो कार्य कर रहे हैं, कॉम्पटीरिया यूट्यूब क्रिएटर्स एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के थ्रू इंडिया में बड़े ही तेजी से शिक्षा का प्रसार और प्रसार का कार्य कर रहा है जो कि बहुत निःशुल्क है। हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर की सूची में बताऊंगा आपको कि किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गुरुग्राम से ब्रांड एम्बेसडर जो चुना गया है, गुरुग्राम से, गुड़गांव का नया नाम गुरुग्राम है जो कि हरियाणा का एक शहर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गुरुग्राम से ब्रांड एम्बेसडर है तनिष्का कोटिया और रीतिका कोटिया। डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर हैं ऋषभ पंत और थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहरुख खान। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केसीआर किट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बड़े ही सरलता से आप केस कर सकते हैं, यह तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किया गया है। यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है? तो यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद वो बाल्टिक देश का नाम है लिथुआनिया, जिसने कि अपने देश में आपातकाल की घोषणा लागू की। किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिश्वाल का निधन हो गया है? तो उड़ीसा के या थे पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे हेमानंद बिश्वाल, जिनका कि निधन हो गया है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह अनिरुद्ध सूरी के द्वारा रचित पुस्तक। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह विशाखापट्टनम में किया गया है। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था और इन मिशन अभ्यासों में दो देशों के या तीन देशों की सेनाएं, नौसेनाएं, कभी कभी थल सेनाएं और वायु सेनाएं भी अपने कौशल का प्रदर्शन करती हैं और अपने युद्ध नीतियों को निखारने के लिए इस प्रकार के प्रशिक्षण होते हैं। आईआईटी रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? आईआईटी रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप उत्तराखंड में लॉन्च किया गया। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है? तो ये आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है। अब हम विश्व की और भारत की महत्वपूर्ण संस्थाओं के राष्ट्राध्यक्षों, सीईओ और महत्वपूर्ण
पदों पर जो अध्यक्ष नियुक्त हैं उनके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। ICHR के अध्यक्ष हैं, देखिए पहला मैं बताता हूँ कि उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं विक्रम मिश्री, और इफ्को के अध्यक्ष कौन है, इफ्को के अध्यक्ष हैं दिलीप संधानी, और इसके बाद HPCL के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, HPCL के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं पुष्प कुमार जोशी, और इसके साथ ही साथ ICHR के अध्यक्ष कौन है, तो ICHR के अध्यक्ष हैं रघुवेंद्र तंवर। कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं किसी महत्वपूर्ण कंपनी के CEO के नाम या हमारे भारत के जितने भी निकाय हैं उनके अध्यक्षों के नाम, एक आध प्रश्न BBSC में इस प्रकार के पूछे जाते हैं। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि केंद्रीय मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है, तो ये सिक्किम में नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है, याद रखिएगा कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बड़ा ही आगाध सागर है करेंट अफेयर्स का, इतनी ज़्यादा सरकारी योजनाएं और इतनी प्रोजेक्ट्स इतने कम समय में स्टार्ट कर दिए गए, भले ही वो पूरे हुए हों या नहीं हों इसकी मुझे जानकारी नहीं, रिपोर्ट्स क्या कागज़ पर दिखाई जाती है यह सिर्फ डेटा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कई वर्षों में बहुत ज़्यादा योजनाएं चालू हो गई, जिसके कारण किसी भी अभ्यर्थी को याद करना बड़ा ही कठिन हो गया है कि करंट अफेयर में क्या आ सकता है। तो करंट अफेयर का जो सिलेबस है ये बड़ा ही वृहद हो चुका है, इसलिए हर प्रश्न पर पैनी नज़र बनाना ये लोक सेवा प्रतियोगी की इसमें महत्वपूर्ण कार्य हो गया है कि हर प्रश्नों को बड़े ही महीनता से देखें। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र कितने हैं, तो भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र हैं 4,992 वर्ग किलोमीटर। भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश ने उन्नत हेरान ड्रोन खरीदा है, तो भारतीय सेना के लिए इजराइल से हेरान ड्रोन खरीदा गया है। गीता गोपीनाथ को किस संस्था द्वारा अपना पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, तो गीता गोपीनाथ को IMF में IMF की पहली उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ को नियुक्त किया गया। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में चावल के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा कितना था, तो भारत का हिस्सा था 28.1%। हाल ही में ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का पहला मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है, तो ये पर्ल अग्रवाल ने जीता है। हाल ही में प्रकाशित किए गए पुस्तकों के संबंध में अब हम बताएंगे पुस्तक और उनके लेखकों के नाम में। रिजॉल्ट यूनाइटेड नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड, ये बान की मून, कुकिंग टू सेव योर लाइफ, ये अभिजीत बनर्जी की है, बैचलर डैड, ये तुषार कपूर की है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएं चल रही हैं। दिसंबर 2021 में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, महत्वपूर्ण कार्यों के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस। होयसल मंदिरों को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है, यह राज्य में स्थित है, किस राज्य में होयसल मंदिर स्थित है जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड विश्व विरासत सूची में नामांकित किए गए। होयसल मंदिर यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। होयसल मंदिर, होयसल एक संप्रदाय था, एक काल था, एक शासन था। मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा शेरा नामक शुभंकर का अनावरण किया गया, यह पंजाब द्वारा किया गया है। मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा शेरा नामक शुभंकर यह किया गया है, जो अनावरण यह पंजाब के द्वारा।
किस संस्था ने CISL और WRI इंडिया के साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव TUMI ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के सहयोग से ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है? तो ये नीति आयोग ने की है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को संयुक्त राष्ट्र महासभा के संगठन की पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया। ऐसे ही महत्वपूर्ण सीरीजों के साथ कॉम्प्टेन एजुकेशन यूट्यूब चैनल अपने एजुकेशनल क्वेश्चनरीज वॉल्यूम 7 को यहीं पर समाप्त करता है। आगामी दिनों में और भी महत्वपूर्ण और रोचक करंट अफेयर्स एवं बिहार स्पेशल के बड़े ही महत्वपूर्ण शूटर क्वेश्चंस की क्वेश्चनरीज लेकर फिर आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल अगर आपको पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो यह करंट अफेयर क्वेश्चनरीज वॉल्यूम 7 इसको भारी मात्रा में शेयर करें। जय श्री राम, जय माँ गंगा, हर हर महादेव।